अ बॉय इज़ थ्रोइंग बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स बॉल इज थ्रोन वेन प्रीवियस वन इज एट अ मैक्मम हाइट फाइव मीटर नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन पर मिनट इज़ एक बॉय ने नीचे से बॉल फेंकी वो फाइव मीटर हाइट तक गई बॉल नंबर वन की बात कर रहा हूँ और जब वो मैक्मम हाइट पर पहुँची बॉल नंबर वन तो उसने बॉल नंबर टू फेंकी टू मैक्मम हाइट पर पहुँची फिर उसने बॉल नंबर थ्री फेंकी ऐसे वो एक मिनट में कितनी बॉल्स फेंकेगा तो इस मोशन को ऊपर से स्टडी करें तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लग रहा है डियर स्टूडेंट्स उतना टाइम सेम हाइट पे ऊपर से नीचे आने पे भी लगेगा ठीक है क्योंकि मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो ऊपर से अगर मैं ड्रॉप करता हूँ तो इनिशियल स्पीड ज़ीरो हो जाएगी तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगाऊँ तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है एच हाइट पे इनिशियल स्पीड ज़ीरो होगी ना ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हाफ से हाफ़ कैंसिल तो टी कितना आ जाएगा टी आ जाएगा रूट टू एच बाई जी इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखो जब एच हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो टाइम इतना लगेगा ठीक है अब नीचे से ऊपर जाने में भी इतना टाइम लगेगा और ऊपर से नीचे आने में भी इतना टाइम लगेगा कितनी हाइट पे पाँच मीटर की हाइट पे चाहे नीचे से ऊपर फेंको चाहे ऊपर से नीचे ड्रॉप करो <coughs> अब क्या हो रहा है यहाँ पे हमको टाइम पता लगाना है कि जब हमने इसको नीचे से ऊपर फेंका और इसकी मैक्सिमम हाइट फाइव मीटर ही है तो इसको टाइम लगेगा रूट टू एच बाई जी तो फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करके हमारे पास टाइम आ जाएगा वन सेकेंड मतलब पहली वाली बॉल एक सेकेंड में यहाँ पहुंची जैसे ही पहली वाली बॉल एक सेकेंड में यहाँ पहुँची दूसरी वाली बॉल उसने फेंक दी तो दूसरी वाली बॉल भी एक सेकेंड में पहुँच जाएगी तो पहले सेकेंड में एक बॉल फेंकी फिर दूसरे सेकेंड में दूसरी बॉल फेंकी ऐसे करते करते एक मिनट तक साठ सेकेंड में साठ बॉल्स फेंक देगा वो तो आंसर आ जाएगा हमारा सिक्सटी बॉल्स थैंक यू